वेरी गुड मॉर्निंग भाई, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? अभी हमारा 2 दिन कम से कम चलेगा पॉलिटी वाला सेक्शन। पॉलिटी में मैं जो प्रेसिडेंट वाला टॉपिक है ये आप लोगों को, ये कहाँ गए भाई, क्यों नहीं ओपन हुआ अभी तक? दूसरी क्लास में नहीं ओपन हो गया, ओके। ठीक है, तो प्रेसिडेंट वाला टॉपिक मैं आप लोगों को कम से कम 2 दिन में कंप्लीट करा दूंगी। मतलब अगर थोड़ा सा लंबा रहा तो फिर हम ऐसा करेंगे, एक दिन थोड़ा सा थोड़ा बहुत टॉपिक और जो प्रेसिडेंट वाले एमसीक्यू है वो साथ में करवा दूंगी, ठीक है? उसके बाद फिर हम एक टॉपिक करेंगे हिस्ट्री का। तो इस तरीके से ना आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट भी रहेगा, है ना? ये भी नहीं रहेगा कि हम इतिहास इतिहास ही पढ़ रहे हैं या फिर हम पॉलिटी पॉलिटी पढ़ रहे हैं। थोड़ा क्या क्या कहते हैं, विविधता रहेगी पढ़ने में, है ना? तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी, एक बार बस मुझे ये बता दीजिए। संदीप थैंक यू सो मच यार इतना कंसर्न दिखाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा आजकल मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग भी अपना ख्याल रखो, ठीक है? तो ऑल क्लियर है, फटाफट क्लास की शुरुआत करते हैं। पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है क्लास में लगा दो अच्छे से, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे, कहाँ से पीटी का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये जो बैच चल रहा है ना, आरंभ बैच हो या फिर हमारा स्पेक्ट्रम को लेके जो बैच चल रहा है, ये दोनों जो है पीटी स्पेसिफिक है, तो पीटी का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो सबसे पहले स्वागत है आप सबका ललिता दहिया अकेडमी पे, फटाफट जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल। कहानी दिया नहीं भाई, अच्छा दिया है, फटाफट जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी से। यहाँ पे मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, जो पीडीएफ है वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी से भी जुड़ सकते हैं। फटाफट अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए ललिता दहिया अकेडमी ऐप को, इंस्टॉल करके इसे साइन अप कर लीजिए, और साइन अप करने के बाद जुड़ जाइए बैचेस से, जहाँ पे 3 बैच अभी चल रहे हैं। पॉलिटी विद करंट अफेयर्स फॉर आईएएस मीन्स 2023, 24 और 25 का बैच है, जो कि आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। कंप्लीट बैच मात्र 2100 रुपये में है, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आपकी कंप्लीट पॉलिटी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कराई गई है, यहाँ पे मात्र 2100 रुपये का ये बैच है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। इसके अलावा दोस्तों 7 अक्टूबर से, इस 7 अक्टूबर से गवर्नेंस का बैच शुरू होने वाला है, जो कि हमारे सेकेंड पेपर का एक काफी ठीक ठाक पोर्शन है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन इसके ओपन हो चुके हैं, 1000 रुपये इसकी फीस है, मात्र 1000 रुपये में आपको कंप्लीट गवर्नेंस मिलेगा। इसकी लाइव क्लासेस चलेंगी 7 अक्टूबर से, तो जिस भी बच्चे को गवर्नेंस का पोर्शन लेना है तो वो जुड़ सकते हैं इस बैच से मात्र 1000 में ललिता दहिया अकेडमी ऐप पे। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए इस फोन नंबर पे आप कॉल करके कंफर्मेशन कर सकते हो। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस का बैच चल रहा है मात्र 1625 रुपये में, 23, 24 और 25 तक के बच्चों के लिए, तो आप इस बैच से भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है? तो ललिता दहिया अकेडमी इसी वक्त इंस्टॉल कर लीजिए और जुड़ जाइए इन बैचेस से। वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें, कमेंट कीजिएगा क्लास के बाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है? बात करते हैं हम राष्ट्रपति। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और विशेषकर पीटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो है ही, पीटी में यहां से बहुत ही माइन्यूटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी मैं बताऊंगी कि 2021 का अगर आप कहोगे तो आप जाके सुन लीजिएगा, जहां पे मैं पहले पढ़ाती थी वहां के राष्ट्रपति का टॉपिक का वो पार्ट, जहां पे मैं क्लियरली बताई हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पूछता है यहाँ से और वहां से क्वेश्चन बना, याद होगा आपको 2021 का पेपर, भारत में जन्मा व्यक्ति कौन होगा, मतलब भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति ही बन पाएगा क्या? तो मैंने कहा था ना, जन्मा नहीं, भारत का नागरिक व्यक्ति, तो इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया, ऐसे ऐसे पूरे टॉपिक में आपको काफी सारे पॉइंट मिलेंगे जो आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखने होंगे, है ना? जब आप खुद से इन पूरे टॉपिक को पढ़ते हो तो शायद आपका ध्यान नहीं जाता है कि अच्छा यहाँ पे बहुत ध्यान दे के पढ़ना है क्या,
इसलिए इस टॉपिक को हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। टॉपिक की शुरुआत करते हैं फटाफट। आपको पता है भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो प्रमुख होते हैं, एक राष्ट्र प्रमुख होते हैं जो पूरे राष्ट्र के प्रमुख है, और एक शासन प्रमुख होते हैं जो सत्ता के शासन के प्रमुख हैं, यानी प्रधानमंत्री जी हैं। और राष्ट्र प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति जी हैं। इतना फंडा क्लियर है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख है, और जो शासन प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत में राष्ट्र प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। गणतांत्रिक प्रणाली होने के कारण भारत में निर्वाचित राष्ट्रपति के प्रावधान को शामिल किया गया है। गणतांत्रिक प्रणाली, देखो हमने संसदीय प्रणाली कहां से ली है भाई, कौन बताएगा मुझे? यदि मैं आपसे कहूं कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से लिया है, फटाफट सबसे पहले कौन बताएगा? यूके, बहुत बढ़िया अंजलि। और कोई? रैना फिटनेस, बहुत बढ़िया। प्रवीण, प्रियांशी, मनीष, कुलदीप, बहुत ही बढ़िया। ब्रिटेन से ली है, लेकिन ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो ली, लेकिन गणतांत्रिक प्रणाली हमने ब्रिटेन से नहीं ली है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का जो राजा है, ब्रिटेन का जो राष्ट्र प्रमुख है, वो निर्वाचित नहीं होता है, वो वंशानुगत होता है। ब्रिटेन के जो राजा होते हैं वो राजा या रानी जो भी है वो वंशानुगत होते हैं, निर्वाचित नहीं होते। लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। और याद रखिएगा, गणतंत्र का एक मतलब ये भी होता है, सीधा पूछ लेगा गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो गणतंत्र का एक अर्थ तो ये होता है कि जनता के हाथ में शासन, यानी जनता की भागीदारी शासन में। और एक सबसे बड़ा अर्थ होता है कि जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं किसी भी व्यवस्था में, जो गणतांत्रिक व्यवस्था होती है, वो निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें कार्यपालिका प्रमुख की, मैं आप लोगों को अभी अभी बताई हूं कि मंत्रिमंडलीय कार्यपालिका बोल लो, जैसे देखो संसदीय कार्य, जो संसदीय प्रणाली है इसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, इसको हम वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी बोलते हैं, इसको हम मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, अर्थ एक ही है। तो संसदीय प्रणाली में सामान्यतः दो प्रमुख होते हैं, एक वास्तविक प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र के और औपचारिक प्रमुख होते हैं। जो वास्तविक प्रमुख होते हैं दोस्तों, वो कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री महोदय जी होते हैं। और जो नाम मात्र या औपचारिक प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति महोदय होते हैं। इतनी बात क्लियर है आपको कि कौन वास्तविक है, कौन आपका औपचारिक है। अब एक क्वेश्चन सीधा सीधा पीटी में, मेंस में तो बनता ही है, पीटी में आपसे पूछ सकता है कि भाई भारत में जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र के प्रमुख है, यानी औपचारिक प्रमुख है, तो इस औपचारिक प्रमुख की जरूरत क्यों पड़ी? हमने औपचारिक प्रमुख पद को क्यों अपनाया? आखिर क्या जरूरत थी? आपको पता भी तो होना चाहिए औपचारिक प्रमुख की क्यों जरूरत पड़ी। इसका पहला रीजन है, राष्ट्र के प्रमुख के रूप में एक ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हो, जिसके निर्वाचन में भी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व हो अप्रत्यक्ष तौर पर। जैसे मैं आप लोगों को जब राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली बताऊंगी, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद के सदस्य भाग नहीं लेते, या हम यूं कहें कि संसद के निर्वाचित सदस्य ही भाग नहीं लेते, बल्कि सभी राज्यों की विधानसभाओं की, याद रखिएगा विधानसभा बोला है परिषद नहीं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? राष्ट्रपति। तो एक ऐसे पद की जरूरत थी जो देश की एकता, अखंडता और एकजुटता का प्रतीक हो, पहला। अतः व्यवहारिक रूप से राज प्रमुख न होते हुए भी भारतीय राष्ट्रपति को राष्ट्र प्रमुख की भूमिका दी गई है। व्यवहारिक तौर पर राज प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं।
लेकिन फिर भी राष्ट्र प्रमुख हम मानते किसको है, राष्ट्रपति को, क्योंकि वो संपूर्ण देश की एकता अखंडता एकजुटता का प्रतीक है। इसके अलावा और क्या जरूरत थी भाई राष्ट्रपति के पद को मतलब एक तरीके से सृजित करने की, तो दलगत राजनीति से मुक्त रखने हेतु राष्ट्रपति कार्यालय को दलगत राजनीति से ऊपर माना जा सकता है। यानी राष्ट्रपति का जो पद है वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करता है। हो सकता है कई बार दलगत राजनीति के चलते आप ऐसे डिसीजन लो जो बहुत ज्यादा सटीक ना बैठते हो राष्ट्र के लिए, तो ऐसे में राष्ट्रपति कम से कम एक बार पुनर्विचार करने के लिए भेज सकते हैं आपको, है ना। अभी सारी बातें पढ़ेंगे हम। यानी आपको एक ऐसे पद की जरूरत थी जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम कर सके। और तीसरा रीजन है प्रशासन की निरंतरता हेतु, यानी जो मंत्री परिषद है उसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। यदि इस मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए लोकसभा में तो फिर क्या होता है, मंत्री परिषद को जाना पड़ेगा। तो ऐसे में प्रशासन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित कार्यकाल वाले कार्यालय का होना जरूरी है। तो ऐसे में एक ऐसा कार्यालय होना जरूरी है जिसका एक निश्चित कार्यकाल हो, जो निरंतरता प्रदान कर सके प्रशासन को। ये तीन चार रीजन है जो हमें ध्यान रखने हैं। मतलब ये ब्लैंक ना रहे दिमाग हमारा कि कोई हमसे पूछे कि ये बताओ भाई आखिर ये क्यों जरूरत पड़ी राष्ट्रपति के पद की, तो हम उसे बता सके कि देखो भाई राष्ट्र के प्रमुख के रूप में एक ऐसे पद की जरूरत थी जो देश की एकता अखंडता का प्रतीक, जो प्रशासन की निरंतरता को बनाए रखे, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करे। इसलिए औपचारिक पद के तौर पे हमें एक राष्ट्र प्रमुख की जरूरत पड़ी, एक ऐसे पद की जरूरत पड़ी जो इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। सिंपल सा फंडा है, ब्लैंक ना रहो। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। फिर बढ़ते हैं आगे। मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहले राष्ट्रपति पद की व्यवस्था के बारे में, मतलब गणतांत्रिक ये संसदीय प्रणाली में गणतंत्र प्रणाली है तो निर्वाचित है, वास्तविक प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र प्रमुख होते हैं, इनकी जरूरत क्या है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या बोल रहे हो, फिटनेस मैम लक्ष्मीकांत से नहीं है क्या? नहीं देखो, पूरा डिट्टो का डिट्टो क्रक्स वही है। इसमें मैंने कुछ चीजें इधर उधर से जो मुझे जरूरी लगी, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, मैंने इधर उधर से भी उठाई है कि लक्ष्मीकांत तो कोर है ही, लेकिन मुझे लगा कि कुछ एक पॉइंट हम इधर उधर से भी यदि इंक्लूड करके पढ़ लें तो ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया है। ठीक है, ध्यान। ठीक है, अब बात करते हैं कार्यपालिका। संघवादी स्वरूप को बनाए रखने हेतु भारत के संविधान का भाग 5, उसमें आर्टिकल 52 से आर्टिकल 72, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। ठीक है, इस संघ की कार्यपालिका में आर्टिकल 52 में क्या लिखा है? आर्टिकल 52 में साफ साफ लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का चुनाव इसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही संपन्न करवाए जाने का प्रावधान है। यानी जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा ना, वो वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही करवा लिया जाएगा। जैसे अभी राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ है और जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनके रहते ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, और नए राष्ट्रपति जब इनका चुनाव हो जाता है तब वो त्याग पत्र ग्रहण कर, मतलब एक तरीके से पद को छोड़ते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप किसी भी स्टेट का, स्टेट पीसीएस का पीटी देने जाएंगे ना, आपको ये आर्टिकल 53 भर भर के मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इनफैक्ट यूपीएससी में भी, क्रक समझना। लिखा है आर्टिकल 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। पीटी लिख लेना यहाँ पे, बड़ा बड़ा पीटी लिख लेना। आईएएस में भी क्वेश्चन बना है, एक बार नहीं दो बार क्वेश्चन बना है यहाँ से, अलग अलग लैंग्वेज में।
यानी संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी पहली बात, और वह इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब आप लोगों से सीधा सीधा एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मिलता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होगी, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होगी, ये सही है कि गलत है, कौन बताएगा मुझे? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, प्रधानमंत्री में निहित नहीं होगी, संवैधानिक तौर पे ध्यान रख लीजिएगा। और इस शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे राष्ट्रपति? दो चीजें लिखी हैं, स्वयं भी करेंगे और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा भी करेंगे। यानी कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रयोग करेंगे जिन शक्तियों का, और कुछ कार्य अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। अधीनस्थ अधिकारियों में स्थायी कार्यपालिका और नौकर, यानी जो नौकरशाही वगैरह होती है उसके, और अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार भी करेंगे। इतना जाने की जरूरत नहीं है आपको, आर्टिकल 53 याद रखना है, पीटी बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा यहाँ पे, है ना। दो चीजें, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई, हमारा संविधान राष्ट्रपति के पद का सृजन करता है किंतु शासन प्रणाली, एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई, अब आपको दे देगा, मान लीजिए कथन दे दिया, भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख है तथा भारत की जो शासन प्रणाली है वो राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली है। उलझाने के लिए तो किसी भी तरीके का स्टेटमेंट दे सकते हैं ना, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होएगा आप वहां पे सोचोगे है कि नहीं है, है कि नहीं है। और यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो तुरंत काटा लगाओगे कि हो ही नहीं सकता ऐसा, तो भारत में तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। वेरी गुड, पहले ही आप लोगों ने आंसर बता दिया, गलत बात। यानी हमारा संविधान राष्ट्रपति पद का सृजन तो करता है किंतु शासन की राष्ट्रपतीय प्रणाली नहीं है हमारे यहाँ पे। और राष्ट्रपति प्रणाली क्यों नहीं है, आप लोगों से दो चार डिफरेंसेस तुलनात्मक तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली होती है यानी जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो कि कहाँ है, मतलब जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, वैसे तो काफी सारी कंट्रीज में है लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूएसए। नाम से ही स्पष्ट है, सोचो राष्ट्रपति शासन प्रणाली, ऐसी शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होते हैं वही राज्य के अध्यक्ष भी होते हैं और शासन के अध्यक्ष भी राष्ट्रपति ही होते हैं। प्रधानमंत्री का ऐसी शासन प्रणाली में कोई रोल नहीं होता है। पहला डिफरेंस है संसदीय शासन प्रणाली और राष्ट्रपति शासन प्रणाली में, कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति है वो शासन के प्रमुख भी होंगे और राज्य के प्रमुख भी होंगे, और वही वास्तविक कार्यपालिका उस उनमें ही निहित होती है, वो नाम मात्र के कार्यपालक नहीं होते बल्कि वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां उन्हीं में निहित होती है। डिफरेंस पता लग गया संसदीय में और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और इसका अगला पॉइंट है कि सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, वहां पे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडल उसे केवल सलाह दे सकता है, केवल सलाह दे सकता है। अब आप कहोगे कि मैम सभी कार्यपालिका शक्तियां भारत में भी तो राष्ट्रपति में निहित है, सवाल आना चाहिए था कि नहीं। अब मुझे कोई ये बताएगा बुद्धिमान बच्चा कि ठीक है ये लाइन दोनों में इक्वल दिख रही है कि सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन क्या डिफरेंस है संसदीय शासन प्रणाली और राष्ट्रपति शासन प्रणाली में इस बिंदु को लेकर, कोई बताएगा? कोई बुद्धिमान प्राणी अवतरित हुआ हो इस धरती पे ये क्वेश्चन बता ये क्वेश्चन बताने के लिए कोई बताएगा? भाई बात तो सेम ही है ना कि दोनों में संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है भारत में भी, और नहीं सेपरेशन का मतलब नहीं है रहना यहाँ पे, मतलब यदि एक लाइन है कि भाई सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है भारत में भी और यूएसए में भी, लेकिन डिफरेंस क्या है, क्या बात है? वेरी गुड अंजलि, सेपरेशन ऑफ पावर डिफरेंस नहीं है,
74 डिफरेंस है, वेरी गुड। और कोई बच्चा? राष्ट्र का वास्तविक प्रमुख? नहीं नहीं इस पॉइंट पे लेके। अंजलि भाई बहुत ही बढ़िया, दिल जीत लिया आपने। याद रखना आर्टिकल 74 डिफरेंस है। आर्टिकल 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या मतलब राष्ट्रपति अपनी शक्तियों अपने जो स्वयं के द्वारा कार्य किए जाने वाली अन्य शक्तियों का जो प्रयोग होगा वो मंत्री परिषद की सलाह पे करेंगे। यानी ज्यादातर जो कार्य होते हैं ना, मतलब ये सिर्फ सजाने के लिए लिख दिया सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं बहुत कम करते हैं। ध्यान रखना मंत्री परिषद की सलाह और सहायता के अनुसार उनको इन शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। और हमारे राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। मान लो मैं मंत्री परिषद हूं, मैंने आप हो राष्ट्रपति, मैंने आपको सलाह दी, थोड़ी देर खुश हो लो ना, राष्ट्रपति बना दिया मैंने आपको सलाह दी, आपको सलाह पसंद नहीं आई, तो आप ज्यादा से ज्यादा एक बार कहोगे कि थोड़ा पुनर्विचार कर लीजिए इस विषय पे। मैंने पुनर्विचार नहीं भी किया और मैंने फिर से आपको वही बात भेज दी तो आपको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे महोदय जी। यानी भारत में ये केवल लाइन लिखी है कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति को अपने बेसिकली विवेक से ये काम, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भारत के राष्ट्रपति केवल सलाह के तौर पे मंत्री परिषद की बात को लेंगे ना, मंत्री परिषद की बात को मानना पड़ेगा। इतना दिमाग लगाना शुरू कर दो। आर्टिकल 74 इसका मतलब दोनों में डिफरेंस, बहुत बढ़िया। इसके अलावा तीसरा डिफरेंस है, राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता है। कहां पे? यूएसए की बात हो रही है ना, कोई नहीं, यूएसए हम अलग से पढ़ेंगे तो देख लेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई भाई कि वो राष्ट्र राज्य के अध्यक्ष भी होते हैं, शासन के अध्यक्ष भी होते हैं, वास्तविक प्रमुख होते हैं, संघ की कार्यपालिका उन्हीं में निहित होती है, और मंत्री परिषद की सलाह केवल सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है, कभी डिफरेंसेस पूछ ले। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। वहां जैसे मान लीजिए जो राष्ट्रपति हैं और इनकी जो मंत्रिमंडल होगी, ये मंत्रिमंडल विधान परिषद विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। लेकिन यदि इसी के सापेक्ष थोड़ा सा टॉपिक हट गया है प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में थोड़ी तुलना हो रही है, ये तुलना बहुत जरूरी है। आपको लग रहा है कि क्या क्या चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहां से सीधा सीधा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है तो आपको कोर पता होना चाहिए कि संसदीय शासन प्रणाली में जो प्रधानमंत्री जी होंगे और जो प्रधानमंत्री जी की मंत्री परिषद होगी, ये पूरी की पूरी विधानमंडल के सदस्य होना अनिवार्य होता है। मतलब विधानमंडल का सदस्य मतलब संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बन गया तो वो केवल 6 महीने तक ही मंत्री बनेगा। 6 महीने के अंतर्गत उसे संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे वो राज्यसभा की सदस्यता ले चाहे वो लोकसभा की सदस्यता ले। ये जो सेंटेंस मैंने बोला ये ऊपर से तो नहीं गया आपके, क्या बोल रहे हो रामजपाल मैम? यूएसए में मंत्रिमंडल की सलाह तथा भारत में मंत्री परिषद की सलाह, यह भी अंतर हो सकता है। ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है, है ना, ये बहुत ही बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर समझ गए। अगली बात है, राष्ट्रपति विधानमंडल की नियत अवधि के लिए निर्धारित निर्वाचित होते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मतलब और एक वही है, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। मतलब क्या है? शक्तियों का पृथक्करण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सीधा क्वेश्चन आप लोगों को आईएएस के एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, पूछ लेगा। राष्ट्रपति शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? राष्ट्रपति शासन प्रणाली की दे देगा 5-6 चीजें, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का पृथक्करण। बताओ क्या होती है, कोई बताएगा? याद रखिएगा, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। ये है जी विधायिका, ये है जी कार्यपालिका, ये है जी न्यायपालिका। ना इसका इसमें इंटरफेयर है, ना इसका इसमें इंटरफेयर है, तीनों अलग अलग है।
है ना, तीनों अलग अलग है, तो ध्यान रखिएगा। और कठोर सेपरेशन ऑफ पावर, ये थोड़े थोड़े कंसेप्चुअल चीजें। अब आप कहोगे कि मैम सेपरेशन ऑफ पावर तो इंडिया में भी है भाई, ये है कार्यपालिका, ये है विधायिका, ये है न्यायपालिका, लेकिन भारत में सेपरेशन ऑफ पावर उतना ज्यादा कठोर नहीं है जितना ज्यादा कठोर यूएसए में है। और राष्ट्रपति शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता होती है सेपरेशन ऑफ पावर, याद रखिएगा। इसका रीजन आप लोगों को यहां पे भी दिख गया कि भाई जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का मतलब क्या, राष्ट्रपति और उसकी मंत्री परिषद, वो विधानमंडल से कोई लेना देना ही नहीं है उनका, वो विधानमंडल के सदस्य नहीं है। लेकिन भारत में जो कार्यपालिका है यानी कि पीएम और उनकी मंत्री परिषद, वो किसके सदस्य है, वो इस विधायिका के सदस्य होंगे। यानी कठोर प्रतिकरण नहीं दिखाना आपको, तो ध्यान रखिएगा, एक दिमाग में बैठा लो अध्यक्ष, ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या फिर राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है सेपरेशन ऑफ पावर। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे भारत की राष्ट्रपति शासन प्रणाली और जो राष्ट्र सॉरी भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली और राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बीच में भी दो चार मेन मेन डिफरेंस बता दिए। यदि पीटी का क्वेश्चन यहां से बनता है तो फिर आप बहुत इजीली कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना, ध्यान रखना। इसके अलावा अब बात करते हैं राष्ट्रपति पद की अर्हताओं की। पहली बात है आर्टिकल 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक व्यक्ति को कुछ कुछ अर्हताओं की बात की गई है। देखो भाई ध्यान से देख लो इस सेंटेंस को, पहली ही अर्हता दी गई है वह भारत का नागरिक हो, और आपके 2022 के 21 के पीटी से पहले मैंने आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया था, और यहाँ पे मैंने लिखा भी था कि ये क्वेश्चन पूछेगा, और आपको यकीन ना आए तो आप जाके उस क्लास में देख सकते हैं, जन्म लिखा था मैंने और बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आपको दे देगा, भारत का राष्ट्रपति जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, गलत हो जाएगा। एक कंसेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए, भारत में किसी भी पद के लिए, मतलब किसी भी पद के लिए ये अनिवार्यता नहीं है कि वो व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। सिर्फ इतनी अनिवार्यता है कि कोई भी संवैधानिक पद है उसके लिए उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। और ये जो जन्म से नागरिकता की अवधारणा है ना, ये यूएसए के राष्ट्रपति के लिए अप्लाई होती है। यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है उसकी एक अनिवार्यता होती है, यूएसए के प्रेसिडेंट की अनिवार्यता होती है कि वहां का प्रेसिडेंट जन्म से यूएसए का नागरिक होगा तभी वो इलेक्शन लड़ पाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वह भारत का नागरिक हो पहली बात, पहली अनिवार्यता, जन्म दिखे तो काट देना, जन्म की अनिवार्यता नहीं है। दूसरी, हमको पता है 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, जैसे आपको पता है पंचायतों के लिए कितनी वर्ष आयु होगी भाई, ये इतना तुरंत बार बार रिवाइज किया करो ताकि एग्जाम में छोटी छोटी ये इतनी फर्जी चीजों में आप कंफ्यूज ना हो। पंचायतों के लिए कितनी, 21 वर्ष, लोकसभा के लिए कितनी, 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए कितनी, 30 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए कितनी, 35 वर्ष। यानी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तीसरा वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। अब आप पढ़ोगे और इसे जल्दी में पढ़ दोगे, क्वेश्चन बनेगा यहीं से, गोल कर लो इसको, लोकसभा को, और पीटी लिख लो यहाँ पे। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपको उलझाने के लिए, एक ऑप्शन तो दे देगा कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, गलत हो जाएगा, या फिर आपको ये भी दे देना कि वह मतलब ये दे दे कि भाई क्या संविधान में क्या निहर्ताएं, क्यों क्या अहर्ताएं लिखी है राष्ट्रपति की, संविधान में क्या 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 अहर्ताएं हैं, और वहां पे दे दे कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लोकसभा शब्द लिखा है, इस लोकसभा शब्द को पचा लेना, यानी साफ साफ लिखा है कि जो भारत का राष्ट्रपति बनेगा उसके अंदर लोकसभा की, लोकसभा का सदस्य होने की जो योग्यता है वो होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए मैंने फोकस करके बता दिया। बाकी तो वह संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी प्राधिकरण अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो, इसे तो आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर देंगे। आपको इन चारों मुद्दों, चारों जो अहर्ताएं हैं, इनमें दो अहर्ताओं को लेके कंफ्यूजन होता है, दोनों अहर्ताएं
मैंने डिटेल से बता दी, एक तो जन्म नहीं है किसी भी में और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, बाकी लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोगों को यह पता है कि जैसे एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ या राज्य का कोई मंत्री लाभ के पद पर नहीं माना जाता, इस प्रकार वह राष्ट्रपति के लिए अहर्क उम्मीदवार होता है। ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, किसी राज्य का राज्यपाल भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, कोई मंत्री भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ये सारे लाभ के पद के दायरे से बाहर होते हैं। और लाभ के पद की घोषणा भी संसद के द्वारा ही की जाती है, संसद समय समय पर एक पूरी लिस्ट बना देती है और कुछ पदों को लाभ के पद से बाहर कर देती है कि भाई ये फलाने धिमकाने जो पद है, ये एक्स वाई जेड जो पद है, ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आएंगे। और इस लिस्ट में जो जो पद ऐड होते हैं वो फिर राष्ट्रपति इत्यादि का चुनाव लड़ सकते हैं। मोटे तौर पे आप याद रखिएगा कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिनको लाभ के पद के दायरे में नहीं माना जाता, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, किसी राज्य के मंत्री, ऐसा मान लो हरियाणा का कोई मंत्री लड़ सकता है, यूपी का कोई मंत्री लड़ सकता है ना, या फिर संघ का कोई मंत्री है तो वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये तो मैं बताऊंगी आगे भी, राष्ट्रपति के चुनाव का नामांकन, अब ये नहीं है कि मान लीजिए मैं संसद की सदस्य हूं, खुश होने में क्या जाता है, मैं संसद की सदस्य नहीं हूं, मान लीजिए कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहती हूँ और मैं कर दू नामांकन, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो फिर हर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन कर देगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए एक अनिवार्य शर्त होती है कि उस व्यक्ति के पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए, यानी ये 50 प्रस्तावक प्रस्ताव पेश करें कि भाई हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा करना चाहते हैं, और 50 अनुमोदक होने चाहिए, इस प्रस्ताव का 50 व्यक्ति अनुमोदन करें, हाँ भाई ठीक है हम सहमत हैं आपकी बात। और ये 50 प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होने चाहिए? अब आप ये कहोगे कि मैम हम आपके साथ हैं, हम आपका जो है प्रस्तावक और अनुमोदक बन जाएंगे, तो आपके बनने से काम नहीं चलेगा। ये 50 प्रस्तावक और अनुमोदक वो होंगे जिनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी का अधिकार होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी का अधिकार किसको होता है, कौन पार्टिसिपेट करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में? संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इन निर्वाचित सदस्यों में से ही, जो तीन कैटेगरी मैंने बताई, इनमें से ही प्रस्तावक या अनुमोदक हो सकते हैं, बाहर का नहीं होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, 50 ये पूछ लेता है कई बार, 50 प्रस्तावक की जरूरत होती है, 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। नेक्स्ट, आर्टिकल 53 बहुत अच्छे से समझ में आ गया, राष्ट्रपति की अहर्ता यानी आर्टिकल 58 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 56 क्या कहता है। आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है, हालांकि वह निम्नलिखित रीतियों से अपने कार्यकाल के दौरान भी पदमुक्त होता है। पहली बात तो इनका कार्यकाल कितना होता है भाई, 5 वर्ष होता है, लेकिन पहले भी वो पद से मुक्त हो सकता है। कैसे? पहली बात तो त्याग पत्र सौंप के, त्याग पत्र सौंपना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है किसको त्याग पत्र देते हैं, पीटी लिख लो यहाँ, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, हर जगह राष्ट्रपति किसे त्याग पत्र दे के पदमुक्त हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति। उल्टा होता है, देखो राष्ट्रपति को अगर त्याग पत्र देना होगा तो वो किसे त्याग पत्र देंगे, वो देंगे उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति को यदि त्याग पत्र देना हो तो वो किसे त्याग पत्र देंगे, राष्ट्रपति। क्या बोल रहे हो मैम, क्या अक्षय कुमार प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ सकते हैं? अक्षय कुमार, अच्छा कनाडा की नागरिकता के संदर्भ में आप बात कर रहे हो, कैसे लड़ सकते हैं? यदि कनाडा की नागरिकता है उनके पास तो भारत की नागरिकता नहीं होगी, और अभी मुझे वर्तमान सिचुएशन नहीं पता है, मतलब आज से 1-2 साल पहले तक तो ऐसा मैंने सुना नहीं था, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था है ना कि कनाडा की नागरिकता है, तो कनाडा का नागरिक तो भारत का चुनाव नहीं लड़ सकता ना बच्चे, तो ध्यान रखिएगा। आए अक्षय कुमार बुला रहे हो, बेचारे को काम करने दो, बढ़िया एंटरटेनमेंट करता है हमारा, है ना। चलो,
भारत के उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं, पहली बात। दूसरा, पहले भी मतलब पदमुक्त हो सकते हैं। दूसरा, संविधान का अतिक्रमण करने पर आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पीटी लिख लेना, अलग से भी मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगी क्या प्रोसेस होती है इसकी, महाभियोग की। आर्टिकल 61 में वर्णित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पदमुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 61(1) के तहत महाभियोग हेतु एकमात्र आधार है संविधान का अतिक्रमण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको यदि इस तरीके का स्टेटमेंट आ जाए कि आर्टिकल 61 के तहत कदाचार के आरोप में राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत पदमुक्त किया जा सकता है, तो मुझे ये बताओ ये कथन सही होगा कि गलत होगा? आर्टिकल 61 के तहत कदाचार के आरोप में भी राष्ट्रपति को पदमुक्त किया जा सकता है, क्या होगा ये? बहुत ही बढ़िया, दिव्या, रंजेश, सलमान, दंशिका, टिकेश्वर, श्रद्धा, वेरी गुड। सरासर गलत होगा, क्योंकि ये याद रखना केवल एक आधार दिया है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का, केवल और केवल एक आधार है, और वो आधार है संविधान का अतिक्रमण। यानी संविधान के अतिक्रमण के आधार पे राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाएगा, अन्यथा और किसी आधार पे महाभियोग लगाने की बात नहीं की गई है। दो चीजें। अगला, यदि राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, त्याग पत्र, निष्कासन अथवा किन्हीं कारणों से, मतलब ये बोल रहा है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, चाहे मान लीजिए अगर मृत्यु हो जाए, यदि वो त्याग पत्र दे दे, यदि निष्कासन आर्टिकल 61 के तहत वो निष्कासित हो जाए, यदि उनका पद रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। देखो, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं छोड़ा जा सकता है ना, तो राष्ट्रपति के पद पे कोई ना कोई तो रहेगा। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया हो तो फिर तुरंत तो चुनाव हो नहीं सकते, है ना? तो इसलिए उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है उस समय, तो ऐसे में भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। और तीसरी कंडीशन ऐसी आ जाए कि मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त है, तो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करेंगे। पद ये तो फिर आगे बताऊंगी। ये दो पॉइंट आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने, यहां से क्वेश्चन बनता है भाई, समझे? यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करेंगे, यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे, यदि उनका पद भी रिक्त है तो फिर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश काम करेंगे, ठीक है? इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा बात, कि पद रिक्त होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मान लीजिए किसी भी कारणवश यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, भले ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे ये लोग काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी 6 महीने के अंदर ही अंदर, 6 महीने के भीतर चुनाव होना अनिवार्य होता है संवैधानिक तौर पर। संविधान में ऐसा लिखा है कि भाई 6 महीने में चुनाव होना जरूरी होता है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, बता दीजिए क्या बोल रहे हो आदर्श मैम? फिर वाइस प्रेसिडेंट अपने पद का भी कार्य करेंगे क्या जब वो प्रेसिडेंट? नहीं, मतलब अपने पद का कार्य नहीं करेंगे, तब उस समय वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करते हैं, उनके पास वो सारी शक्तियां आ जाती हैं। जब तक वो राष्ट्रपति के तौर पे काम करते हैं ना, मतलब कार्यवाहक, तो वो सारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो राष्ट्रपति को करनी होती है, है ना? ध्यान रखिए, उस समय उपसभापति संभाल लेंगे थोड़े दिन कार्यवाही, उस समय वो उपराष्ट्रपति के तौर पर काम नहीं करेंगे, ठीक है? रिक्त आदर्श, समझ में आया बच्चे? क्या बोल रहे हो, शब्द रिक्त है तो संसद, अरे सब रिक्त कैसे हो जाएगा सलमान जी? ये वहां पे एक बार बताओ, उच्चतम न्यायालय तो रहेगा, अब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश भी रहेंगे। मान लीजिए उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में 34 न्यायाधीशों की व्यवस्था है, 33+1। अब मान लीजिए इनमें से 10 छुट्टी पे चले गए, फॉर एग्जाम्पल, फिर भी 23 तो बचे। इन 23 में जो सबसे वरिष्ठतम होगा वो बनेगा, है ना? संसद का प्रोविजन करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई तो न्यायाधीश रहेगा ही ना सर्वोच्च न्यायालय में,
और उन कोई ना कोई में से कोई एक वरिष्ठतम होएगा, तो फिर वो वरिष्ठतम व्यक्ति मतलब बुरी से बुरी कंडीशन भी आ जाए तो भी सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम संभाल लेगा। बुझ गए? क्या बोल रहे हो? हाँ, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा है संदीप, वेरी गुड। मैम, अतिक्रमण क्या है? याद रखना, इस संविधान के अतिक्रमण को ना संविधान में डिफाइन नहीं किया गया कि संविधान के अतिक्रमण का काम क्या होगा। वैसे तो संविधान का अतिक्रमण क्या है? संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध काम करना संविधान का अतिक्रमण है। लेकिन यहां से क्वेश्चन बन सकता है, पीटी का दे देगा। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाया जाएगा और इस संविधान के अतिक्रमण को संविधान में स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया गया है। समझे क्वेश्चन कैसे बनता है? बाल की खाल नोचनी पड़ेगी आपको, इतना तह तक जाना पड़ेगा पीटी का क्वेश्चन डील करने के लिए। मेंस में तो आपको मोटा मोटा नॉलेज होता है तो आप लिख देते हो, लेकिन पीटी में आपको बहुत माइन्यूटली पढ़ना होता है। तो यदि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि इस संविधान के अतिक्रमण को संविधान में स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया गया है, तो मुझे ये बताओ क्या ये सही होगा? क्या इस संविधान के अतिक्रमण शब्द को पूरे के पूरे संविधान में परिभाषित किया है? नहीं किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सलमान, अंजलि, रामजपाल, मनीष, राकेश, रिया, श्रद्धा, प्रेरणा, बहुत ही बढ़िया भाई। ध्यान रखना कहीं नहीं किया गया है। यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। मूवी देखिए वो वाली, वो बेचारा दिख जाती है कंगना रनौत और छोड़ के भाग जाता है कि अरे अब ये भाषण देंगे। कौन सी मूवी है वो? अब बेचारे को अंग्रेजी का ही भी नहीं आता, मतलब इंग्लिश का ही भी नहीं आता, और उससे जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बड़ा मस्त सीन है, बड़ा फनी सीन है। ओके, उसके बाद जब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो बोलता है ना, योर क्वेश्चन हर्ट्स मी, और भाई वो क्या एक्टिंग करके निकलता है वहां से। कोई तो मूवी है, मूवी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। एनीवे, चलें आगे। जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बने रहते हैं। ये बात भी ध्यान रखना। जैसे वर्तमान राष्ट्र, जैसे जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी थे रामनाथ कोविंद, वो तब तक अपने पद पे रहे जब तक कि हमारी नई राष्ट्रपति जी ने पद ग्रहण नहीं कर लिया, यानी 5 वर्ष के उपरांत भी पद पर बने रह सकते हैं। वह इस पद पर पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। और याद रखिएगा, पीटी लिख लेना यहां से, यहां पे भी कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं ना, वहां पे एक व्यक्ति अधिक से अधिक 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। जैसे बराक ओबामा जी 2 बार राष्ट्रपति रहे वहां पे, 2 बार से ज्यादा वहां व्यक्ति राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन है कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। एक व्यक्ति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। दे देगा कि भारत के संविधान में एक व्यक्ति अधिक से अधिक 3 बार राष्ट्रपति बन सकता है, 4 बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो दिमाग ना फालतू में सोचने मत लग जाना कितना था, 3 था कि 4 था, 5 था कि 6 था, सोचने मत लगना। सीधा फंडा है भाई, कितनी भी बार बन सकता है। हमारे संविधान में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं लगाया गया कि 2 बार बनेगा, 4 बार बनेगा, कितनी भी बार बन सकता है, वो पुनः निर्वाचित हो सकता है, ठीक है, अनलिमिटेड, ठीक है, ध्यान रखना। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं निर्वाचक मंडल। अब पहली बात तो ये जान लो कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, वो हम यानी जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं होता है। पहला फंडा ये क्लियर होना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव जनता डायरेक्ट नहीं करती है, एक निर्वाचक मंडल बनता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, और वो निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन होता है? क्या बोल रहे हो आदर्श? इंडिया में तो एक बार नेता बन जाओ बस, बस वही अपने आप को पीएम सोचता। क्या बोल रहे हो ऋतिक? मैम, चाहे कितनी भी बार, बिल्कुल कितनी भी बार बन सकता है ना, हमारे देश में नेताओं के लिए हर चीज अनलिमिटेड है। क्या बात है, भरे बैठे हुए हैं नेताओं का विरोध। कोई नहीं, आप भी भविष्य के, जैसे अब ऐसा कई बार ऐसा होता है ना, मतलब 8 लाख लोग एग्जाम देते हैं आईएएस का, मतलब पीटी में लगभग 8-10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 4-5 लाख पीटी देते हैं, उसमें से कई सिंसियर स्टूडेंट रह जाते हैं, तो वो सिंसियर स्टूडेंट आगे नेता ही तो बनेंगे। तो आप में से कुछ लोग जो मुझे सुन रहे हैं, क्या पता भविष्य के नेता हो, है ना,
है ना, तो आप लोग अच्छे काम करना इन फ्यूचर। क्या हो गया भाई? एनीवे, निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? पहली बात, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ध्यान से देख लो, इन यहां से क्वेश्चन बनता है, पीसीएस में आपको उलझाएगा वो। लेकिन यदि आपने एक बार ढंग से पढ़ा हुआ है, कभी नहीं उलझोगे। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होता है, वो दे देता है सभी सदस्य। तो सभी नहीं होते, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है, और दिल्ली और पौंडीचेरी संघ शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है। पहली बात तो निर्वाचित सदस्य ही होते हैं संसद के भी विधानसभाओं के। कई बच्चों को यहाँ पे दिक्कत रहती है, ध्यान से देख लो। देखो भाई, एक होती है विधान मंडल, जिसे हम केंद्र में संसद बोलते हैं। इस विधान मंडल के दो सदन होते हैं, जो निम्न सदन होता है दोस्तों उसे बोलते हैं विधानसभा, और जो उच्च सदन होता है उसे बोलते हैं विधान परिषद। तो एक बात ध्यान रखना, इस परिषद का कोई मतलब नहीं होता राष्ट्रपति के निर्वाचन से, कोई मतलब नहीं होता इस परिषद का। केवल ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेशन करेंगे, विधान परिषद के सदस्य नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, गौर से ध्यान रखना है, कि वहां पे विधान मंडल भी यदि दिया हो तो विधान मंडल यदि दिया होगा तो गलत हो जाएगा, विधानसभा इंपॉर्टेंट है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये बात मैंने इसलिए डिफ्रेंशिएट करके बताई, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो विधानसभा को विधानमंडल समझ के कई बार करते हैं। तो विधानमंडल में तो दो सदन हो गए, विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो गई। परिषद का कोई लेना देना नहीं होता राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अब आप समझदार हो चुके हो, मुझे बता दो, तीनों पॉइंट समझ में आ गए कि कौन कौन शामिल होएगा? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। एक पूरा निर्वाचक मंडल बनता है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। क्लियर? बिल्कुल सही बात है, 70वें अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी को भी शामिल किया गया था, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं, इसका अर्थ क्या निकला। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका अर्थ ये निकला कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं है, यानी ये लोग मतदान नहीं कर सकते। कौन कौन? लोकसभा के मनोनीत सदस्य, पहले हुआ करते थे दो एंग्लो इंडियन महोदय, इनको 104वें संविधान संशोधन द्वारा इनका प्रोविजन समाप्त कर दिया, लेकिन फिर भी कहने को लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। बाकी तो आप कर लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप पीटी के एग्जाम में बहुत प्रेशर में होते हो। वो दे देगा कि राज्य की विधानसभाओं के, विधान परिषदों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी का अधिकार नहीं होता है। तो आप कई बार ना निर्वाचित को देख के कंफ्यूज हो जाते हो, नहीं निर्वाचित का तो था, अरे निर्वाचित से पहले का शब्द देखो, निर्वाचित था, लेकिन विधान परिषद के किसी भी व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता राष्ट्रपति के चुनाव में। इस पॉइंट को याद रखना है, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की बात होती है, विधान परिषद के किसी भी प्रकार के सदस्य का कोई रोल नहीं होता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। क्या बोल रहे मैम, क्या राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किसी राज्य का राज्यपाल? राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राज्यपाल क्यों बनेगा भाई? उच्च पद से निम्न पद पे क्यों आएगा, है ना? अभी तक तुलसी ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया बच्चे, जम्मू कश्मीर वाला भी प्रोविजन हो सकता है, जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई लीगली या स्पष्ट तौर पे प्रोविजन नहीं किया गया। चलिए अब आगे, अब बात करते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम के तहत। मैं आपको बता चुकी हूँ, राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन हेतु उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। पहली बात समझ में आ गया, पहले भी बता चुकी हूँ कि भाई 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। जहां तक संभव हो, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या और विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता होनी चाहिए। इसे समझो ध्यान, बोल रहा है प्रत्येक राज्य की जनसंख्या। देखो यहाँ एक एग्जाम्पल से समझो, ये है हरियाणा, छोटा सा स्टेट है, इसमें मान लीजिए विधानसभा के सदस्य हैं 90,
मतलब जहां तक मेरे को याद है 2-3 साल पहले तक 90 थे, अभी बढ़ गए होंगे तो अलग बात है, समझने के लिए समझो ना, फैक्ट पे क्यों जा रहे हो। ये है जी यूपी हमारा, उत्तर प्रदेश, इसमें है 403। तो आप एक चीज देख रहे हो कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका छोटा है तो 90 है, इसका बड़ा है तो इसके 403 है। तो वही है कि राज्य की जनसंख्या, क्षेत्रफल नहीं सॉरी जनसंख्या, इसकी जनसंख्या कम है तो कम विधायक, इसकी जनसंख्या ज्यादा है तो ज्यादा विधायक। यानी राज्य की जनसंख्या और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, उनमें उनके प्रतिनिधित्व में एक रूपता होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 5 लाख पे एक व्यक्ति है, एग्जाम्पल के तौर पे 5 लाख पे एक व्यक्ति है, एक MLA है, तो यहाँ पे भी 5 लाख पे एक MLA होगा। इस तरीके से चुनाव में व्यवस्था की जाती है। सभी राज्यों और संघ के मध्य भी समानता होनी चाहिए। याद रखिएगा कि जो राज्य की जनसंख्या होती है और विधानसभा के टोटल मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में एक रूपता होनी चाहिए, और वो एक रूपता चुनाव के माध्यम से हो जाती है कि भाई टोटल मान लो कम जनसंख्या है तो कम पे एक व्यक्ति होगा, है ना। मतलब कम पे एक व्यक्ति कितना भी हो, लेकिन ओवरऑल तो उसी जनसंख्या पे, लगभग उसी जनसंख्या पे एक व्यक्ति चुना जाता है। जैसे यूपी में 10 लाख पे एक चुना, तो हरियाणा में भी 10 लाख पे एक चुना। तो हरियाणा में जब 10-10 लाख पे एक चुना तो टोटल 90 हो गए, यूपी में 10-10 लाख पे एक चुना तो टोटल 403 हो गए। तो समानता होनी चाहिए, इतना उलझने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है कि भाई राज्य की जनसंख्या और टोटल जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या में एक रूपता होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए बोला ना SP, प्रत्येक राज्य के अलग अलग होते हैं, जनसंख्या वाइज होते हैं ना, जहां जनसंख्या कम है वहां पे कम होएंगे, जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां पे ज्यादा होएंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। इस प्रकार राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधि होने के साथ साथ विभिन्न राज्य के लोगों का भी प्रतिनिधि होता है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्र का प्रतिनिधि तो करते हैं, राज्यों के लोगों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए कहा है कि पूरे राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक होते हैं राष्ट्रपति, है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे मत मूल्य निकालना होता है। राष्ट्रपति के चुनाव ऐसे ही नहीं होता कि भाई ऐसे ही बैठ गए और चुनाव कर दिया। मत मूल्य निकालना होता है, और मत मूल्य निकालने के फॉर्मूले होते हैं। जैसे सबसे पहली बात, संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान हो, यानी जो अलग अलग राज्य है ना उनका प्रतिनिधित्व इक्वल होना चाहिए। साथ ही राज्यों और संघ के मध्य भी समानता होनी चाहिए। भाई जो दिल्ली और पौंडीचेरी सॉरी जो दिल्ली क्या नाम है संघ यानी संसद है और राज्य है, उनके बीच में भी समानता होनी चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए एक राज्य विधानसभा और संसद के प्रत्येक सदन में जो मतों की संख्या है वो अलग अलग तरीके से निर्धारित होती है, मत मूल्य निकालने होते हैं। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, PT लिख लेना। क्या क्वेश्चन बनता है? प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को, अभी बताऊंगी मैं, उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त की जाती है। इसी के एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो मुझे यूपी के एक विधायक का मत मूल्य निकालना है, मत मूल्य निकालना है, तो ये मैं मत मूल्य कैसे निकालूंगी कि एक विधायक की वोट का मूल्य कितना होगा? जी ये यूपी का अलग होगा, हरियाणा का अलग होगा, उसे आप फॉर्मूले से समझ जाओगे कैसे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी यूपी की टोटल जनसंख्या, मान लो यूपी की टोटल जनसंख्या 10,000 नहीं है वो अलग बात है, मान लो गुना ये है ना एक विधायक का मत मूल्य, यानी राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे राज्य के जो निर्वाचित सदस्य। इसे ना आप इस तरीके से समझो, यहां पे देखो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की टोटल जनसंख्या बट्टे नंबर ऑफ MLA, यानी टोटल जनसंख्या है जितनी भी है, फॉर एग्जांपल इतनी है, बट्टे टोटल MLA है मान लो 403 गुना 1/1000। इस फॉर्मूले से जो भी वैल्यू आ जाएगी वो यूपी के एक विधायक का मत मूल्य होगा। और इसी तरीके से हर स्टेट के विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है। जैसे मान लो हरियाणा है, तो हरियाणा की टोटल जनसंख्या बट्टे टोटल निर्वाचित जो विधायक हैं वो, मतलब विधायक आपको पता है विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, गुना 1/1000।
तो इसी तरीके से प्रत्येक स्टेट के एमएलए का जो मत मूल्य है वो निकाल लिया जाता है। बात समझ में आई? यहां से डीप क्वेश्चन बनता है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। मेरा ये मानना है क्योंकि यहाँ पे फिर मैं एमपी भी बताऊंगी, फिर पूरा निर्वाचक मंडल, यहां से हम कल करते हैं, क्या कहते हो? थोड़ा डिटेल से बता दूंगी ना। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि प्रत्येक सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य इक्वल होता है, तो एक बार मुझे जाते जाते ये बता दो, अगर मैं ये कहूं कि सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य एक समान होता है, वो सही होगा कि गलत होएगा? वेरी गुड अंजलि, सही होएगा कि गलत होएगा? कोई और बच्चा? यस, तो ठीक है, सही होगा कि गलत होगा? गलत होएगा। फॉर्मूले से ही समझ जाओ, हर राज्य के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होएगा। छोटा राज्य है क्योंकि उसका फॉर्मूला उसकी जनसंख्या और विधायकों के ऊपर अप्लाई होएगा, तो अलग अलग होएगा। इस पे बात करेंगे कल, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है? बहुत डिटेल से बात करेंगे, एक एक चीज समझाऊंगी। पहले बस मुझे ये बता दो, जितना मैंने आज पढ़ाया बिल्कुल फिक्स हुआ दिमाग में? और जब मैं पूरा राष्ट्रपति का टॉपिक करा दूंगी तो 10 मिनट में ना एक बार पूरा क्विक रिवीजन करा दूंगी, ठीक है? तो आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर देना भाई अगर अच्छी लगी हो तो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और जुड़ जाइए ललिता दही अकेडमी ऐप से। यहाँ पॉलिटी का बैच रिकॉर्डेड देख सकते हो मात्र 2100 रुपये में, कंप्लीट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 अक्टूबर से गवर्नेंस का बैच आ रहा है, मुश्किल से 25 दिन का बैच होएगा हमारा ये, शानदार गवर्नेंस, कुछ भी नहीं छूटेगा, A to Z। 8 टॉपिक हैं गवर्नेंस के, 8 टॉपिक कंप्लीट होंगे। याद रखिएगा मात्र 1000 रुपये इस गवर्नेंस के टॉपिक की फीस है। ललिता दही अकेडमी ऐप पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस यदि आपको पढ़ना है कंप्लीट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मात्र 1625 रुपये में है, आप पढ़ सकते हैं ललिता दहिया अकेडमी ऐप के ऊपर। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।